Hey guys, hi guys, and hey hi guys, you're back in the new video of our channel, Crucifix Gaming, and I'm your host, Jabjot. और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं. यस, आज हम खेलने वाले हैं सेव द गर्ल. यस, एक बहुत ही इलॉजिकल गेम है, बहुत ही स्टूपिड गेम है फॉर द गर्ल, बिकॉज इस लड़की को हमें बेसिकली लेके जाना है फॉर टिल द एंड, और इसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी हर्डल आएंगे, वो हमें अपने बिग ब्रेन से सॉल्व करके इन दो चॉइसेस में से कोई एक चॉइस चूज करके इसको बचाना है. यस, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो यहाँ पे हमें फर्स्ट चॉइस आती है बेसिकली सीजर या फिर एक लाइटर, और यहाँ पे हमें बेसिकली इसकी रोप खोलनी है, सो आई थिंक सीजर, बिकॉज लाइटर से आई डोंट थिंक सो रो इज बेटर, बिकॉज उसका हाथ भी जल सकता है, और ये तो है ही स्टूपिड लड़की एक नंबर. सो ये हमने इस लड़की को फाइनली सेव कर चुके हैं, हम फॉर द फर्स्ट लेवल कम्प्लीट हो चुके हैं, नाउ वी आर ऑन द लेवल 2, लेट्स गो. सो यहाँ पे लड़की कह रही है लेट मी गेट आउट, हाउ डू आई ओपन दिस डोर, डोर खोलना है ना, तो खोल दे डोर हाथ से अपने. अच्छा, तो अच्छा लॉक होगा डोर आई थिंक. सो यहाँ पे दो चॉइसेस हमारे पास, एक है एक लकड़ी का एक डंडा सा या क्या है ये जो भी है, और दूसरा है एक कुल्हाड़ी एक्स, सो आई थिंक कुल्हाड़ी, बिकॉज उस लकड़ी का डंडे में आई डोंट थिंक इतना दम है जो भी है किससे ये खुल जाएगा डोर. एंड सो ये फाइनली हमने लेवल 2 भी कंप्लीट करा चुके हैं इस लड़की को, नाउ वी आर ऑन द लेवल 3. सो लेवल 3 में दैट इज अ बिग होल, हाउ डू आई गेट ओवर इट. सो सिंपल है यार, अब यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, एक है बकेट ऑफ सीमेंट, आई थिंक ये सीमेंट बिकॉज दैट सीमेंट कलर है, और दूसरा एक वुडन प्लैंक. अब अगर मैं वुडन प्लैंक लगाऊंगा तो ये जो होल है वो बिग है, और वुडन प्लैंक इतना बड़ा तो मेरे को लग नहीं रहा, तो ये जो लड़की है वो गिर गुर सकती है, फिर वुडन प्लैंक टूट सकता है, बिकॉज ये गेम इलॉजिकल है. और अगर मैं ये बकेट ऑफ सीमेंट डालूंगा तो अकॉर्डिंग टू मी ये बकेट ऑफ सीमेंट से ये पूरा जो एरिया है वो फिल हो जाएगा और एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा जिस पे ये लड़की आराम से वॉक करके चल देगी. या नाइस, या नाइस, पर उस मकड़ी के जाले को क्यों दिखाया था? आई थिंक वुडन प्लैंक में उस मकड़ी के जाले का या फिर उस मकड़ी का कोई ना कोई रोल जरूर होगा. सो नाउ वी आर ऑन लेवल 4, लेट्स गो फर्दर इनटू लेवल 4. ओके, सो यहाँ पे एक किडनैपर है जो कि एक कार्टून सा है जिसने यूनिकॉर्न का फेस धारण किया हुआ है और बॉडी उसकी इंसानों वाली है, और यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं टू स्नीक आउट फ्रॉम हेयर, वो है एक टीवी रिमोट और एक बॉक्स. अगर हम टीवी रिमोट चूज करेंगे तो टीवी का चैनल चेंज हो जाएगा या फिर टीवी ऑफ हो जाएगा जिससे कि उसकी अटेंशन हमारे पे आ जाएगी, तो हम बॉक्स चूज करेंगे बिकॉज वी कैन, मतलब हम बॉक्स में छुप सकते हैं और स्नीक आउट कर सकते हैं. भाई ये बताओ मेरे को, नहीं मतलब बॉक्स छोटा सा है भाई, ये इस लड़की ने तो भाई पूरी बॉडी बॉक्स के अंदर डाल ली है भाई, इतना कौन सा बड़ा बॉक्स है भाई. और यहाँ पे फिर से हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं, यहाँ पे रेनिंग हो रही है और थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग्स भी आ रहे हैं, सो देयर आर टू चॉइसेस, एक है रेनकोट और दूसरा है अम्ब्रेला. सो अगर मैं अपना तेज दिमाग और शातिर दिमाग को यूज़ करूँ तो अगर हम अम्ब्रेला पकड़ेंगे तो वहाँ पे लाइटनिंग हो रही है विच कैन वे, सो देयर इज अ चांस कि जो लाइटनिंग है बेसिकली वो अम्ब्रेला पे हिट करेगी और हमें शॉक लग जाएगा, तो आई थिंक रेनकोट, बिकॉज रेनकोट से हम बहुत ही ईजिली निकल सकते हैं इस लाइटनिंग, और वी हैव बिग ब्रेन्स, हैशटैग बिग ब्रेन्स, चैट में लिख दो हैशटैग बिग ब्रेन्स, भाई बहुत तगड़ा. ओवे तो कार्टून फिर से पड़ चुका है इस लड़की के पीछे, ये लड़की बहुत ही रोते हुए हालत में दरवाजा बंद कर चुकी है, और यहाँ पे हमें चूज करना है कि हम सोफा करें या फिर एक चेयर या टेबल, फोल्डेबल वाला, सो आई थिंक सोफा, बिकॉज ऑफ कोर्स यार वो ज़्यादा हैवी है तो दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा दिक्कत होगी, या फिर नहीं खुलेगा दरवाज़ा. इट्स सो डार्क, नो इट्स ग्रीन, दैट्स अ बैड जोक. सो यहाँ पे एक स्टील रॉड है क्या है, और यहाँ पे दूसरी साइड है एक टॉर्च, ऑफ कोर्स टॉर्च होगा यार, ये क्या नुन्नू मुन्नू क्वेश्चन दे रही हो मेरे को भाई पागल आदमी. यहाँ पे एक स्केरी डॉग है, बेसिकली एक बुल डॉग है जो कि गंदी शक्ल बना के इस लड़की को देख रहा है, और यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस है, जिंदा मुर्गा या फिर एक मरे हुए मुर्गे का मीट, तो आई थिंक मीट, बिकॉज वो इजी है, वो आराम से खा लेगा डॉग खुश, जिंदगी में बस यही चल रहा है और हम निकल जाएंगे हम. सो ये फाइनली हमने ये वाला लेवल भी कंप्लीट कर चुका है, नाउ वी आर ऑन द लेवल 6, लेट्स गो फर्दर इनटू द लेवल 6, चलो. और यहाँ पे हम आ चुके हैं एक बोट में, यस, और एक बोट की किचन में आ चुके हैं, और अभी हम खुश हैं, और सडनली हम गुस्सा हो गए बिकॉज किचन थी उसमें आग लग गई है और यहाँ पे बहुत सारी स्मोक है. हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक है एक फैन और दूसरे एक हैंडकरचीफ, सो ऑफ कोर्स हम फैन रखेंगे बिकॉज फैन से क्या होगा वो सारी जो स्मोक है वो निकल जाएगी और हम खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे. यस फैन ऑफ कोर्स, व्हाट फैन से कैसे आग लग गई, मतलब फैन, मतलब सच में भाई जो फैन है भाई जो हमें हवा देता है
उससे आग लग गई। नहीं कुछ भी, नहीं सच में कुछ भी भाई, कुछ भी पागल। तो फिर क्या हैंकर चीफ से क्या हो जाएगा भाई, इतने धुएं में हैंकर चीफ क्या कर लेगा, पता नहीं हैंकर चीफ है या ब्लैंकेट है। हाँ हैंकर चीफ है, और उसने अपने मुंह में ढक के हैंकर चीफ से निकल गई। अरे मेरे को लग रहा है इसको कुछ, मेरे को लगा इसको कुछ दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे ऑफ कोर्स डार्कनेस है, तो हम टॉर्च यूज़ करेंगे बिकॉज ये लड़की एक नंबर की स्टूपिड लड़की है। अगर हमने इसके हाथ में मैच बॉक्स मतलब दे दी तो ये भाई खुद को भी आग लगा सकती है। और यहाँ पे फिर से स्मोक आ चुकी है, और अब हमें यहाँ से भागना है। तो हमें स्टेयर की यूज़ करेंगे या फिर जेट पैक। आई थिंक स्टेयर, बिकॉज जेट पैक से हम ऊपर वाली जो बेसिकली दीवार ठक ठुक के, या फिर स्टेयर से कैसे निकलेंगे, स्टेयर करके देखता हूँ मेरे को इसमें कोई। अबे अबे भाई ऊपर कोई भी जगह नहीं थी निकलने की, पता नहीं कैसे निकल गई स्टेयर से। तो फिर तो जेट पैक से भी निकल सकती थी, पता नहीं क्या था। आई थिंक मेरे को जेट पैक वाला यूज़ करना चाहिए था, पर चलो नो वरीज, हम तो जीत गए। मतलब अब यहाँ पे जो शिप थी वो टूट चुकी है, और अब यहाँ पे हम एक लकड़ी की राफ्ट पे आ चुके हैं बेसिकली। और यहाँ पे बहुत सारा रेनिंग, मतलब रेनिंग हो रही है, तो हमें इस रेन से बचना है। तो टेंट, अम्ब्रेला या फिर थॉर का हथौड़ा। थॉर का हथौड़ा ऑफकोर्स, बिकॉज इससे जो लाइटनिंग और जो रेन है वो हट जाएगी, और एक सुहाना दिन हो जाएगा। ये थॉर ने हमारी फाइनली मदद कर दी, फाइनली थॉर ने हमारी मदद कर। और अब हमें चाहिए फिश। तो हमारे पास दो चॉइसेस है, पहली चॉइस है एक ये फिश रॉड, दूसरी चॉइस है ये ट्राइडेंट। सो आई थिंक फिशिंग रॉड, बिकॉज इससे हम आराम से फिश पकड़ सकते हैं। और वो फाइनली व्हाट, सी मॉन्स्टर को पकड़ सकते। तो फिर ट्राइडेंट जब मारेंगे तब भी वो सी मॉन्स्टर निकलना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये तो सेफ द गर्ल है, ये कुछ पता ही लॉजिकल गेम है। मतलब फिशिंग रॉड से के सी मॉन्स्टर को प्यार, मतलब फिशिंग रॉड से के सी मॉन्स्टर को खुद इसमें घुस गया, और ट्राइडेंट से परेशानी क्या गेम है ये पता ही अभी कुछ सी गेम। और यहाँ पे हमारे पास फिर से दो चॉइसेस आती हैं, यहाँ पे शार्क आ चुकी है। पहला है वो मीट का टुकड़ा जिससे हमने डॉग को बेसिकली डॉग को खुश किया था, और यहाँ पे हम उसे ही अब आई थिंक शार्क को भी खुश कर देंगे। और दूसरा हमारे पास एक गन है जिसके आगे बेसिकली बुलेट की जगह एक वो एरो सा लगा हुआ है, कि मीट का टुकड़ा, बिकॉज इस गन से हम उस शार्क को पकड़ लेंगे। सो फाइनली कुछ कैसा हुआ है तो थोड़ा लॉजिकल था। और यहाँ पे हमने ट्राइड कर चुके हैं, वाओ आई मीन। अब हम वापस जा रहे हैं टैप टू स्टार्ट, लेट्स गो टू द लेवल 8, आई थिंक लेवल 8, यस। सो यहाँ पे हमें खाने हैं कोकोनट, और यहाँ पे कोकोनट का ट्री पूरा टिल्ट कर रहा है हमारे मुंह के ऊपर, और हमारे कोकोनट जस्ट लाइक हमारे मुंह के एकदम सामने है। और अभी भी इसको कोई चीज़ चाहिए उनको निकालने के लिए। अबे हाथ किसने, भगवान ने दिया तेरे को, अबे मुंह के सामने कोकोनट है, हाथ से उतार के खा लेना मेरे को। ओके सो इसको बेसिकली ये चाहिए, ये पता नहीं क्या है, ये वो जो बेसिकली वहाँ पे रहते हैं आइलैंड में जो मॉन्क्स आई थिंक उनके वाला वो जो चीज़ है। और यहाँ पे दूसरी साइड एक बेसबॉल बैट है। अब अगर मैं ये मॉन्क्स वाला लगाऊंगा तो आई थिंक ये क्या, ये मैं कभी देखने को नहीं मिली। नहीं अगर तेरे पास वो हथियार है, और तूने भाई नारियल में मारने की जगह पत्थर के पीछे मार दिया जहां पे से वो मॉन्क निकल गया, कतई भाई बाउंसर चलेगी भाई ये बात। और बेसबॉल बैट से क्या हो जाएगा, क्या बेसबॉल बैट को उसने पेड़ पे मारा, और पेड़ के ऊपर से वो नारियल टपक गया सच। अबे वापस वो मॉन्क आ चुका है हमसे बदला लेने, व्हाट डू यू वांट, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, समझेगी भी कैसे उसकी भाषा और तेरी भाषा में डिफरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। और यहाँ पे दो चॉइसेस, और दोनों चॉइसेस इतनी बेकार है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी चॉइस दूँ। एक है फिश फूड, तो दूसरा है लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे खाते हैं, और फिश फूड फिशेस खाती हैं, और इन दोनों का किसी भी साइड से इस बंदे के साथ कोई भी अंतर नहीं है। पर मैं उसको लॉलीपॉप दूंगा बिकॉज ओ मैन भाई, तो ये क्या चीज थी भाई, लॉलीपॉप खा के वो बंदा खुश हो गया, कुछ भी क्या पता ही भाई, यूजलेस। और यहाँ पे ओ हेल्प ओवर हेयर, और यहाँ पे दो चॉइसेस आती हैं, एक है एक रॉकेट और ये है एक कैंप फायर। तो अगर मैं इस गेम को अभी तक क्रैक कर चुका हूँ तो मेरे को इतना जरूर पता होगा, अगर हम ये रॉकेट मारेंगे तो ये क्या होगा, ये रॉकेट सीधे जाके उस हेलीकॉप्टर पर जाएगा। मेरे को पता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर ऐसा ही होगा। और अगर हम कैंप फायर जलाएंगे तो ये धुआं निकल जाएगा, जिससे वो रॉकेट को पता चल जाएगा, और वो रॉकेट हमारे पास आ जाएगा। अब मेरे को पता है इसका आंसर कैंप फायर है, पर लेट्स गो इसका आंसर रॉकेट करते हैं, और ये रॉकेट सीधे जाके उस हेलीकॉप्टर पर जाएगा, बूम, जैसा कि मैंने कहा था, बिग ब्रेन्स। यहाँ पे अब हम कैंप फायर चलाएंगे, अब कैंप फायर से निकलेगा धुआं, जिससे वो बेसिकली जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे पास आ जाएगा। ओह व्हाट डिड ही चंक ग्राफिक्स, ओह भाई कातिलाना,
गेम ग्राफिक्स में तो भाई कतई बाउंसर है, और लॉजिक में तो भाई उससे भी ज्यादा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इतने लेवल से किया आज हमने। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की मतलब इस बेसिकली गेम की मैं और भी एपिसोड्स लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना इस वीडियो को, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको कमेंट में कुछ भी लिखना, कमेंट आपके लिए खुले। और जो भी मेरी वीडियो बने हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन हिट कर दो यार, अभी बहुत सारे एम्स कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ यार ऐसी सपोर्ट करते रहना, और मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार फाड़ू तगड़ी वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं चलता हूँ वीडियो बनाने, और आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर कर दो। चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।